Brock to Shiger Valley Top Crossing by tracking. Thalie Brock to Shiger Top Crossing by tracking. Scotchin Adventure. आज हम आपको एक खूबसूरत वादी थले ब्रोक का तो टूर हमने आपको करा दिया, लेकिन आज इंशाल्लाह हमारा ट्रैकिंग का प्लान है थले ला टू शिगर तक के लिए। तो हमारे साथ यहाँ का जो कैंपिंग का जो ऑनर है स्कर्चन कैंपिंग का, तो न्याजले भाई इंशाल्लाह हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। इनका एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस रखते हैं यहाँ से थले ला टू शिगर तक के लिए। तो सभी नाजरीन जो यहाँ से थले ब्रोक से थले ला तक जाने के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये कैंपिंग नंबर वन है। जो साइट नंबर टू और मोचमिक से जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको थले ब्रोक रिजोर्ट है मुमताज़ शाह साहब के पास। अब एक तो वहाँ से जा सकते हैं, सेकेंडली आप यहाँ से लेफ्ट साइड से जाना चाहते हैं तो न्याज भाई के पास सारी सिस्टम मौजूद है। तो न्याज भाई जबानी आप खुद सुनिएगा प्लीज। थले ला ट्रैकिंग ला तमाम टूरिस्ट ला गाइड बस शिखर तक जो अच्छा एक्सपीरियंस है जो अच्छा थले ब्रोक दुनसा जो जगह वाना देखा केम वन पॉइंट जो केम वन देखा स्टेबल जो वाना देख तक को तीन चार घंटा बच्चो तीन चार घंटे बाद केम टू को वन जो केम टू जगह में ता बोले जमीन जो छिछल छिल जो छिछल छिल वन जो देख इतना रात देख ता इतना छमिक साय जो बाकदा छुबु बाकदा थबे जो जगह टनबो साय इतना हाइट समय जो मसला में अच्छा मसला में दो बार ला तार मन आधा घंटा चिकता ट्रैकिंग बेस बार ला इतना लक लेकर थन में जो ला थले लेकर थन में जो दे बार ला इंशाल्लाह इतना केम थ्री ले जो इतना सोच जो शिकार पे खिलास बन जो तेसार पे खिलास बन जो केम थ्री इन जो दे बाल ला इतना तारबन चार से पाँच घंटा ट्रेकिंग बेस से बाल ला केम थ्री का नजो आखिरी तक शिकार करा सुन जो। थैंक यू न्याज़ भाई, बहुत शुक्रिया न्याज़ भाई का। न्याज़ भाई एक तो माशाल्लाह से खुद पढ़े लिखे नौजवान हैं और साथ में ये अपना एक स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप को खुद रन करते हैं, ये कैंपिंग भी है एज रेस्टोरेंट भी है। यहाँ से उनके पास जो डाउन से लोग आना चाहते हैं, यहाँ से पोर्टर का मसला है, पोर्टर मींस यहाँ से सामान लेके जाने के जो बंदे हैं उनके थोड़े से अगर इशू है तो न्याज भाई के पास सारा सिस्टम मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास कैम भी है, इनके पास कैम है, बहुत मुनासिब है। कैम का जो पर नाइट जो इनका जो चार्जेस है वो 500 रुपये मैक्सिमम 500 रुपये चार्ज करते हैं। ये 500 रुपीस में आपको इनके पास स्लीपिंग बैग्स भी हैं और साथ में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगी, लेकिन ब्रेकफास्ट के आपको अलग से चार्जेस है। तो ये इनका पूरा कैंपिंग साइड है, बेहतरीन इनके पास निज़ाम है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है यहाँ से, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप लोगों को सारी चीज़ों का विजिट करते जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर अपना मसूद गाजी जो कि हमारा टूर समझो ऑपरेटर है, साथ में बासित हैं, ये माशाल्लाह पूरा मैनेजमेंट करते हैं ग्रुप का, और मैं हबीबुल्ला और मेरे साथ पीछे इकराम भाई भी हैं। तो हमारे दो तीन लोग हैं वो आगे चले गए हैं, बारिश की वजह से हम थोड़ा सा डिले हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम रुकेंगे आप लोगों को ये व्लॉग्स में हमको दिखाते जाएंगे। हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है, तीन घंटे की इंशाल्लाह ट्रैकिंग होगी यहाँ से। तो आपका जो बिल्कुल सामने दिख रहा है वो है रोमोचमिक, यहाँ पे भी कैंपिंग और रिजॉर्ट भी बेहतरीन है उस तरफ से आने के लिए। तो यहाँ से आप जाएंगे तो आगे आपको एक नाला आएगा शमदुन, सॉरी अपना ये शिंघालोमा, वहाँ पे थोड़ा पानी का इशू है, गर्मियों में पानी थोड़ा ज़्यादा आता है, इस वजह से यहाँ से लोग ज़्यादा जाने को प्रेफर करते हैं। तो ये खूबसूरती आप देख सकते हैं, ट्रैकिंग का जो असल मज़ा है वो यही, आपको मुख्तलिफ रूट्स मिलेगा, रॉकी रूट्स भी है, पत्थर भी है, कहीं पे रास्ते ख़राब हैं, तो ये सारे जो है ट्रैकिंग इसी का नाम है। तो आइए ट्रैकिंग कीजिए, सेहत बनाइए, हेल्दी रहिए। जो भी ट्रैकिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा आराम थोड़ा आराम से चलना पड़ता है ट्रैकिंग के लिए। तो हमारे जो बैकपैक हैं सारी सामान हमारे साथ हैं, बस दो तीन हमारे
बाकी जो स्लीपिंग बैग्स है, खाने की चीजें हैं, वो हमने सुबह भेज दी है। आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो तो तकरीबन 30-40 मिनट्स के बाद यहाँ पे प्लांटेशन है कैनेडियन। ये प्लांटेशन बेसिकली हमारे एलएसओ की तरफ से है। प्लांटेशन आपको दिखाने का मतलब ये है, जहाँ भी आपके आसपास में जो ज़मीन बंजर है वहाँ पे आप प्लांटेशन कीजिएगा, ताकि प्लांटेशन की वजह से जो आपका जो सराउंडिंग्स है उनमें भी बहुत खूबसूरती आती है, साथ में आपका माहौल भी साफ रहता है। और साथ चलते चलते यहाँ पर हम कैनेडियन गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बेसिकली ये जो थलेला ट्रैक है, यहाँ लिखा है प्रमोशन ऑफ द इको फ्रेंडली टूरिज्म एट द थलेला ट्रैक। ये जो ट्रैक है बेसिकली इसी साल कैनेडियन एम्बेसडर यहाँ से आए थे, तो उनकी हम उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट एंड प्लस हमारे जो लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है एलएसओ थले, उनका भी बहुत अच्छा रोल है कि थलेला टू शिखर ट्रैक के लिए। Subscribe Skarchen Adventure.